कटनी जिले के बरही नगर की पुलिस ने मवेशियों से भरे एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें ठूस ठूस कर मवेशियों को भरा गया था। वहीं कई मवेशी तो बेहोशी की हालत में ट्रक में पड़े हुए थे। पुलिस ने ट्रक में सवार 3 लोगों को अरेस्ट कर मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल बरही नगर के थाना प्रभारी सुधाकर बरसकर ने बताया कि पुलिस गश्त के दौरान सतना की तरफ जा रहे एक ट्रक को संदेह होने पर रोका गया तो ट्रक में सवार लोग भागने की फिराक में थे। तभी पुलिस ने कड़ाई दिखाते हुए ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कराते हुए ट्रक के अंदर देखा तो उसमें ठूस ठूस कर मवेशी भरे हुए थे जिनमें कई तो बेहोशी की हालत में थे। सभी 21 मवेशियों को छुड़वा कर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ट्रक में सवार अशोक सिंह, सुरेश बैगा, पप्पू यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर पूरे मामले की जाँच कर रही है। बरही नगर के थाना प्रभारी सुधाकर बरसकर ने बताया कि ट्रक में सवार लोगों ने बताया कि वह लोग कोतमा से सभी मवेशियों को लूट कर सतना की तरफ जा रहे थे। पीबीसी के लिए कटनी से ब्यूरो हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सर, एक ट्रक में भैंस जब्त हुई है, क्या कार्रवाई हुई इसमें? आज गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि खितौली तरफ से ट्रक के अंदर बहुत अधिक मात्रा में भैंसें भरी हुई आ रही है। उस पर रात्रि गश्त अधिकारी द्वारा चेक किया गया तो उसमें ट्रक क्रमांक MP17HH3396 में 21 नग भैंसें ठूस ठूस के भरी हुई थी और उसमें चालक आलोक यादव और अन्य दो बैठे पाए गए थे। भैंसों के संबंध में कोई उनके पास कागजात नहीं मिलने पर और पूर्ण तरीके से जानवरों को भरा पाए जाने पर उनके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। सर, कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? प्रारंभिक पूछताछ में कोतमा से सतना का बताया गया है, विवेचना जारी है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।